पावर रेंजर्स में अब तक आपने देखा? उसके अंदर बॉय क्वीन है। एलियंस, उनके पास एक बेबी थी और वो तुम थी। चलो आगे देखते हैं। प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो। वादा करो इसे सेफ रखोगे। मैं पूरी जिंदगी अपने मॉम डैड को ही ढूंढती रही। तुमने हमें ढूंढ निकाला। ओ नहीं, धमाके के बाद क्या होने वाला है हमें उसकी ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। द नेमेसिस कोकून कुछ ही देर में हैच करने वाला है। हमारा डेटा तो ऐसा नहीं दिखा रहा। रुको रुको, किस चीज में हैच होगा? नन्हे चिड़ियों में तो जवाब हरगिज नहीं होगा। ठीक से मुझे भी नहीं पता, शायद स्पोरिक्स की शक्तियों को मिलाकर बनी हुई कोई शक्ति। डायरेक वॉइड क्वीन को रोकने का कोई रास्ता जानते हो तुम? नहीं, काश जानता। उसमें सिर्फ नफरत है क्योंकि उसने तुम्हें खो दिया है। अब उसे अंदाजा नहीं है कि वो अपनी बच्ची को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। एक मिनट, अगर सच जानने से आप ठीक हो गए तो क्या उन पे भी ये काम करेगा? ये हमारी आखिरी उम्मीद होगी। ये तो गए, ये आखिरी दो थे। बढ़िया, अब तुम और तुम्हारे वॉरियर्स यहाँ से चले जाओ। गुड लक रेंजर्स। अब चलो। ये तो बहुत ही विशाल है। अनप्लग करने की कोशिश की। वॉइड क्वीन पूरी तरह स्पोरिक से लिपटी हुई है। अगर उसके करीब गए तो भी उसके दिमाग के साथ लिंक नहीं कर पाओगी। हमें उसे वहां से बाहर निकालना है। रुक जाओ, वो अभी अनस्टेबल है और अगर उसके साथ छेड़खानी की तो वो और भी जल्दी हैच करेगा। जल्दी या देर से एक्सप्लोड तो करेगा ही, और शहर अभी तक खाली नहीं हुआ। इसे कहीं और ले जा सकते हैं? हो सकता है कि मैं डायनोनाइट आर्मर पहन के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं और ककून को किसी डेजर्ट में टेलीपोर्ट कर सकता हूं। शायद इससे काम बन जाएगा। ये खतरनाक तो है, पर इस टीम का लीडर होने के नाते मुझे ये करना ही होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सब मेरी गलती है। मुझे डायनो नाइट मॉर्फर दो। मैं आखिरी बार वॉइड नाइट बनके ये काम कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तुम और तुम्हारी टीम को अब भी जरूरत है। मुझे ये करने दो। ठीक है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। Void Armor. Good luck. मैं जा रहा हूं। अब तुम लोग पीछे हटो। ये तो काफी इंटेंस था। तुम्हें क्या लगता है टारिक इससे बच गया होगा? हमें वहां पहुंचना होगा, जल्दी। ये हिल नहीं रहे। टारिक, टारिक, तुम ठीक हो? हाँ, पर यहाँ काफी बड़ी मुसीबत है। ओके, कूल, 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 कूलियो। अच्छा तो ये है वॉइड क्वीन। मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं आई। ये वॉइड क्वीन नहीं है, ये सारे स्पोरिक्स कंबाइंड है, जिसका ये मतलब हुआ कि वो अभी भी अंदर है। रुक जाओ, नेमेसिस बीस्ट। अब मेरी बारी है। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम मेरी माँ हो। मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं। ना ही तुम्हें सुनेगी और मानेगी। उस चीज से उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये बड़ा है, पर हमने इससे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हराया है। वेल, क्या सच में ऐसा है? सो लॉन्ग, हमें सारे जॉर्ड्स चाहिए फौरन।
बहुत बातें हो गई। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम जा सकते हो। गुड लक रेंजर्स। हम संभाल लेंगे। भागो गद्दार, तुम इसी काम में माहिर हो। क्या टाइमिंग है, अच्छा हुआ तुम आ गए, क्योंकि इस बार हमें हर जोर की जरूरत पड़ने वाली है। इसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हमें अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। ओनली और मैं शुरुआत करेंगे। पकड़ लिया, तुम्हारी बारी। टीम गार्सिया चार्ट एंटर कर चुकी है। चार्ट लीव कर रहे हैं। बढ़िया। बहुत बढ़िया। तुम सब ठीक हो? हाँ, जबरदस्त मूव था। अब देखो एक और, चलो हाई जंप करो। फ्री स्ट्राइक। बोर हो गई। ये ठीक नहीं हुआ। ब्रेस ब्रेस। अब कोई तरीका नहीं बचा, एक ही रास्ता बचा है, डायनो मास्टर सेबर। आ जा। तुम अल्टीमेट अटैक यूज नहीं कर सकते, याद है ना ग्रीन मॉफिन मास्टर ने क्या कहा था? अगर वो मुझे खत्म भी कर दे फिर भी मुझे उसे रोकना होगा। अरे नहीं, मैं अभी आया। कोई बात नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करने दो। नया प्लान, अगर मैं उसके करीब जाऊं तो मैं उसे सच बता सकती हूँ, किसे देखना है ये खतरनाक खेल। उसने हमें देख लिया, तुम स्लो हो। सिपाहियों, गलती? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बेटी हूँ।
नामुमकिन, मेरी बेटी मर चुकी है। अमेलिया, नहीं! और अब मैं तुम सबका अंत करूंगी। वॉइड क्वीन, यही अंत है, सिर्फ उनके लिए ही नहीं। मास्टर सेबर एनर्जाइज। ये कैसी पावर है? गुड बाय मेरे दोस्तों। सारे जोड्स की पावर के साथ मैं तैयार हूं। मास्टर सेबर अनलीश्ड। वो नहीं रहा, जानता हूं। क्या किसी ने एमिलिया को लैंड होते हुए देखा? तुमने ऐसा कैसे किया? मेरे सारे राज तुम्हें किसने बताए? मैंने। अब तुम मेरी बात सुनो, हम तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं। सेंटोरा, सेंटोरा, इस नाम के अब कोई मायने नहीं है मेरे लिए, जैसे तुम्हारे कोई मायने नहीं है, गद्दार। लेकिन ये सच है, पिंक रेंजर। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अब जीत चुकी हूँ। मेरी स्पोरिक सेफ है और पृथ्वी ने जो कुछ भी सहा है वो सबको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये याद करो। जब एमिलिया एक बेबी थी, उसके पेरेंट्स कहीं खो गए थे। मेरे मॉम डैड के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ इसमें है। पापा अब इसके बारे में बात नहीं करते। उन्होंने बताया कि आग की वजह से वो लोग खो गए। आई विश मैं अपने पेरेंट्स को देख सकूं, पल भर के लिए ही सही। सारी नफरत, सारा गुस्सा, सब खत्म। लेकिन मेरा बदला, मैं नहीं। मैं गलत थी, बिल्कुल गलत थी। क्या आप मेरी मॉम हैं? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं आपको हमेशा ढूंढती रही। मॉफिन मास्टर्स, हमने ग्रिड में अचानक एक झटका महसूस किया और जितनी जल्दी आ सकते थे आ गए। लगता है मास्टर सेबर ने स्पोरिक्स को जंग में हरा दिया है। बहुत बढ़िया, उनकी शक्ति खत्म होने से हम उन्हें सुरक्षित तरीके से दूर ले जा सकते हैं।
तुम्हारा मिशन पूरा हुआ रेंजर्स। नहीं, जेडो के बिना नहीं। आपने उसे पहले भी बचाया है। प्लीज, हमारे लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया और इस प्लैनेट के लिए भी। हम जानते हैं तुम अपने लीडर को बहुत चाहते हो। जेटो एक कमाल का रेंजर था। वो अब नहीं रहा, लेकिन वो तुम सबके बीच है। वो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी यादों में है और ग्रिड में भी। इसका मतलब क्या हुआ? वो हर जगह मौजूद है। जहाँ जहाँ ग्रिड टच करेगा, जेटो का कोई ना कोई हिस्सा वहाँ मिलेगा। हम तुम्हें मिस करेंगे जेटो। अब हमें इन स्पोरिक्स को कहीं दूर ले जाना होगा ताकि हम इन्हें सिक्योर कर सकें। गुड बाय रेंजर्स, ये एक सम्मान रहा है। मैंने बहुत कुछ मिस किया। मुझे आपको कितनी सारी बातें बतानी है। अभी के लिए हम ये स्टोरेज एरिया में रख देंगे। मैं उस दीवार को वहां से हटा दूंगा, वो वाली। अरे वाह, इससे जो किचन हॉल में प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व हो जाएगी और फंग शुई के हिसाब से भी बहुत बढ़िया होगा। क्या बात है पापा, राफकोनियंस को यहाँ रहने में बहुत मजा आएगा। और कोई रिक्वेस्ट है किसी की? हाँ, एक डिसीजन लेने में हमारी मदद करो। तुम्हारी बहन के झूले के लिए ब्रायरवुड ग्रीन पसंद है, लेकिन हनी, कोरिंथियन सनसेट रंग ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मैंने काफी झूले पेंट किए हैं। ओशन ब्लफ ब्लू कलर बेबीज को बहुत पसंद है। क्या? नहीं, मैं सही हूँ। एक आइडिया है मेरे पास, क्या मैं? हाँ, सॉरी, उसे ब्रायरवुड ग्रीन ज्यादा पसंद है। देखा, अब तो कुछ बोल ही नहीं सकते। मानना पड़ेगा, बहुत ही स्मार्ट कुकी है ये। ओह याइक्स, हमें एक जरूरी काम है, सॉरी। हैप्पी डेकोरेटिंग। थैंक यू लुकास, स्पोर्टिंग लेजेंड डीसी गार्सिया ने एक बार फिर से कर दिखाया। थैंक यू, 200 मीटर स्प्रिंट रिकॉर्ड को तोड़ के। उसके सपोर्टर्स को उस पे बहुत नाज है। दैट कमाल है। यप, इनका कहना है ये ट्रॉफी उनका तीसरा बच्चा है। कार्लोस जूनियर नाम है। लगता है मैंने सब मिस कर दिया। सॉरी, हमें देर हो गई। हैप्पी ग्रेजुएशन इजी। तुम्हारा पढ़ाकू वाला लुक देखकर अच्छा लगा। कोई पढ़ाकू लुक नहीं है, अंदर स्पोर्ट्स के कपड़े पहने। हे, ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकती। ओकडेल एथलेटिक्स डिपार्टमेंट, मैं आ रही हूँ। ये रहा आपका फ्लावर गन केक और आपके प्रोटेक्टिव गियर। मजे कीजिए। एलियन के सीन, वो भी एक रियल एलियन के हाथ से। जल्दी करो, इंतजार नहीं होता। बस ब्लास्ट एंजल ग्रोव की ओपनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए हम एक बड़ा वाला ऑर्डर करने वाले हैं। थोड़ा अजीब लगता है पर चलेगा, एंजॉय कीजिए। और तुम लोगों के लिए कुछ स्मूदीज। थैंक यू। हे, क्या ये? मैं बस अभी आया। हावी, हावी गार्सिया। हाँ, मुझे तुम्हारे सारे गाने पसंद हैं। तुम अच्छा गाते हो। थैंक्स। मेरे गिटार पर साइन कर दो। सिग्नेचर्स के $5, लेकिन 15 में तुम्हें टी-शर्ट मिल सकती है। वो बस मजाक कर रही है। क्या हुआ सोलोन? डायनो हेंज में एक बहुत ही तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन हुई है। बेस के फोर्स फील्ड को जोर से धक्का दिया जा रहा है। जल्दी आओ। अभी आते हैं। चीयर्स। चीयर्स। थ्री टू वन फ्लोर गन।
वो रहा वहां पर, देखो। वो भूत है ओली, और तुम सब देख रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, हाँ। पता नहीं और क्या हो सकता है ये। फाइनली हिस्ट्री बुक्स में आ रही हूँ। सॉरी, लेकिन मैं कोई भूत नहीं हूँ। एक नया रेंजर? कौन हो तुम? कैसे? जेटो, मेरे बच्चे, तुम जिंदा हो। भूत को भूल जाओ, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तुम यहाँ कैसे? मॉर्फिन मास्टर्स ने मुझे नए पावर्स दिए हैं। तो उन लोगों ने ग्रिड से तुम्हारी एनर्जी वापस ले ली? क्या उन्होंने बताया कैसे? नहीं, और इसके लिए वक्त नहीं है। मेरे पास टीम के लिए एक जरूरी मिशन है और हमें अभी निकलना होगा। क्या बात है? लॉर्ड जेड जिंदा है, वो बच निकला था। बहुत बढ़िया, जाओ उन्हें खत्म करो। डायनोफ्यूज।